नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप ग्रो ऐप में किसी भी शेयर को कैसे खरीद सकते हैं और किसी भी शेयर को कैसे आप सेल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने ग्रो ऐप में डीमैट अकाउंट खोलना होगा। यहाँ पे दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप ग्रो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से डीमैट अकाउंट बना लीजिए। अब डीमैट अकाउंट बनाने के बाद सिंपली आपको अपने ग्रो ऐप को ओपन करना है। यहाँ पे आपका जो भी पासवर्ड है उसको डाल देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ऊपर आपको एक सर्च बॉक्स मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जिस भी कंपनी का आप यहाँ पे शेयर परचेस करना चाहते हैं उसका यहाँ पे नेम सर्च कर लेना है। जैसे मैं जोमेटो का लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगा जोमेटो पे, जोमेटो आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अभी करंट इसका प्राइस जो है एक शेयर का 195.30 है। यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे ओवरव्यू में आप देख पाएंगे कि आज का जो मार्केट खुला है 193.10 रुपये से खुला है और जो आज का हाई गया है 196 रुपीज़ गया है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, आप जब अपना शेयर खरीदने जा रहे हो तो आप कोशिश कीजिए कि मंडे से फ्राइडे के बीच में परचेस करने के लिए, क्योंकि दोस्तों जो यहाँ पे वर्किंग डे होता है, जो ओपन डे होता है मार्केट का, ये मंडे से फ्राइडे होता है। तो आप इसी के बीच में खरीदेंगे तो सही रहेगा, आपका जो ऑर्डर है फंसेगा नहीं, तुरंत वहाँ पे आप खरीद पाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सुबह के 9:15 से और शाम के 3:30 तक मार्केट ओपन रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों ओवरव्यू में आपको ये पता चल जाएगा कि परफॉर्मेंस क्या है। यहाँ पे न्यूज़ में आ जाएंगे तो इस कंपनी से रिलेटेड क्या न्यूज़ आ रहा है वो पता चल जाएगा, और यहाँ पे इवेंट में आ जाएंगे तो आपको इवेंट शो हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप ग्राफ कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये हमको एक दिन का ग्राफ दिखा रहा है। एक वीक का देखना चाहते हैं तो एक वीक का देख सकते हैं, एक मंथ का देख सकते हैं, एक ईयर का देख सकते हैं, ठीक है। चलिए सिंपली मैंने यहाँ पे सब कुछ देख लिया है। चलिए मान लेते हैं हमको इस शेयर को परचेस करना है तो कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा बाई का, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, डिलीवरी और इंट्राडे का। तो सिंपली आपको डिलीवरी पे सेलेक्ट करना है। इंट्राडे पे वो लोग सेलेक्ट करते हैं जो एक दिन के लिए यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे डिलीवरी पे ही सेलेक्ट करने देना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा NSE का, इस पर आप क्लिक करके BSE कर सकते हैं, NSE कर सकते हैं, इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट करने दीजिए, दोनों सेम बातें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको प्राइस मार्केट यहाँ पे नीचे शो हो रहा है, तो यहाँ पे प्राइस मार्केट क्या है अभी मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्वांटिटी दिखना लेना है, आप कितना इस शेयर को खरीदना चाहते हैं। जैसे मैं एक यहाँ पे शेयर इसका खरीदना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली एक लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों 197.60 अभी करंट प्राइस है। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि इसका जो रेट है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, तो अगर आपको लगता है कि अभी 195 पे आएगा तो 195 यहाँ पे डाल सकते हैं। जब 195 पे आ जाएगा तब आपका यहाँ पे बाई हो जाएगा आपका जो शेयर ऑटोमेटिक, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे अभी अगर जो अभी करंट मार्केट है उस पर अगर खरीदना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे प्राइस इस पर क्लिक करूँगा, प्राइस मार्केट पे। तो यहाँ पे एट मार्केट प्राइस जो अभी 197 रुपीज़ है उसी पे मेरा बाई होगा। तो मैं अभी यहाँ पे जो करंट मार्केट का प्राइस है उसी पे मैं खरीदना चाहता हूँ तो मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे बाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सिंपली हम बाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा बाई का, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं जो मेरा एक शेयर है वो बाई हो चुका है यहाँ पे सक्सेसफुली। अब यहाँ से हमको डन कर देना है। अब डन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, आपने होम पेज पे आ जाना और होल्डिंग वाले ऑप्शन में जब आ जाएंगे तो यहाँ पे आपने जो शेयर खरीदा है वो आ जाएगा। अभी तक दोस्तों मैंने जोमेटो का 30 यहाँ पे शेयर ले रखा था, अब यहाँ पे देख सकते हैं 31 शेयर मेरा हो चुका है, यहाँ पे आप शो कर रहा है 31 शेयर, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जो आपका टोटल रिटर्न यानी कि जो प्रॉफिट है वो शो करेगा, जब लॉस होता है तो लॉस भी यहाँ पे आपका शो करता है। अब दोस्तों आप कैसे इसको सेल कर सकते हैं, चलिए मैं ये बता देता हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, मतलब जो भी आप शेयर खरीदें उस पर क्लिक करना है,
उसके बाद यहाँ पे आपको सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपको अपना क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना है कि कितना आप शेयर को बेचना चाहते हैं। जैसे मेरा पास जोमेटो का 31 शेयर है, मैं एक शेयर को बेचना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक लिख दूंगा। और यहाँ पे आप किस प्राइस पे सेल करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको लगता है कि 200 प्राइस जाएगा तब हम सेल करेंगे, तो यहाँ पे 200 लिख करके आप सेल पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे 200 हो जाएगा ना, उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है, जो शेयर है वो सेल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो प्राइस अभी चल रहा है उसी पे मैं बेच दूँ, तो यहाँ पे सिंपली मैं क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे प्राइस मार्केट आ जाएगा, ठीक है। अब सेल वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि मेरा जो ऑर्डर है वो सेल हो चुका है। यहाँ पे मैं डन कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों डन कर दिया, अब यहाँ पे मेरे पास 30 शेयर केवल बचे हैं। अभी मैंने 31 हो गए थे, अभी मैंने एक सेल कर दिया, तो यहाँ पे मेरे 30 शेयर हो गए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप ऊपर लोगो पे क्लिक करके यहाँ पे आके आप देख सकते हैं आपका जो पैसा है ना यहाँ पे जुड़ चुका है। यहाँ पे मैं कैमरा को फोकस करता हूँ, देख लीजिए 249 रुपीस मेरा आ चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ग्रो ऐप में किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए।